आज देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन सबसे पहले भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन से ही बिल्कुल धमाका लगाना स्टार्ट करेंगे भाई तो बता दो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बोलो भाई स्क्रीन पर यह है पहला क्वेश्चन और बहुत बिंदास क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है एक बार सभी बच्चे अगर क्वेश्चन प्यारा है तो प्यारे क्वेश्चन का आंसर भाई प्यारा देंगे बताओ भाई इसका सही जवाब क्या होगा बिल्कुल हम साइड हो जा रहे हैं बिल्कुल हम साइड हो जा रहे हैं और आप लोग तो लाभ बेहतरीन आंसर देना होगा बोलो भाई बता दो आंसर क्या है का भाई जल्दी से बताइए सभी बच्चे पूरी ताकत लगा दीजिएगा भाई बहुत बढ़िया भाई सभी लोग को आंसर देना होगा भाई अरे सभी बच्चे टाइम इज और मेरे प्यारे साथियों एक बात बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं एक छोटी सी बात सुनिएगा अगर हम बात कहें दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है जल्दी से आप लोग अंतर देखिएगा अगर हम अंतर की बात करें तो बच्चों यहां पे डिफरेंस कितने का आपने बोला सर दो का है यहां पर कितने का डिफरेंस है तो सर यहां पर छह का डिफरेंस है बहुत अच्छी बात है यहां पर डिफरेंस कितने का है घटा के देखो नौ में से नौ गया जीरो चार में से एक गया तीन बहुत बढ़िया तीस का अंतर है बच्चा इसमें कितने का डिफरेंस है नौ में से नौ गया जीरो दस में से चार गया छः इसमें कितने का डिफरेंस है नौ में से नौ गया जीरो बस्ता कितना है तेईस में से दस गया तेरह एक सौ तीस का मेरे प्यारे साथियों एक बात सुन लेना बड़े गौर से दिमाग खोल के यहां पर एक बात बताइए हमें कुछ चीज समझ में आ रही है अगर बच्चा यहां पे पांच का क्यूब करके पांच जोड़ दे तो एक सौ तीस हो जाएगा अगर हम यहां पे चार का क्यूब करके चार को घटा दें तो साठ आ जाएगा तो प्यारे साथियों देखो स्टार्टिंग से क्या किया गया होगा अगर हम एक का क्यूब करके एक जोड़ दें तो दो आएगा कि नहीं बोलो भाई दो आएगा कि नहीं आएगा और यहां पे दो का क्यूब करके अगर दो घटा देंगे तो आएगा बस समझ रहे ना तो यहां पर अगर तीन का क्यूब करेंगे तो ये सत्ताईस होगा और अगर हम तीन जोड़ेंगे तो तीस तो बच्चा चार का क्यूब करके चार घटा दो पांच का क्यूब करके पांच जोड़ दो तो मेरे प्यारे साथियों यहां पे छह का क्यूब करके घटा दिया जाएगा छह का क्यूब दो सौ सोलह में से छह गया बचेगा दो सौ दस जोड़ के देखो भाई नौ no, ये हो गया तीन एक चार हो गया और दो दो चार हो गया कहीं आप लोग का आंसर चार सौ उनचास तो नहीं आ रहा देखो भाई क्या किसी बच्चे का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आ रहा भाई जल्दी से बोलो बहुत बढ़िया भाई शानदार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अच्छा कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं बोलो भाई कितने छात्रों ने इसका आंसर दिया है देखो अभी तक अब दे रहे सोलीवाल प्रिया दौली चार बहुत शानदार तो बच्चों अब देना होगा आप लोग को अगले क्वेश्चन का आंसर अब यह मत कहना कि सर समय तीस सेकेंड दो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है केवल समय बीस सेकेंड का होगा हमें तो लगता है बीस सेकेंड लायक भी नहीं है या क्वेश्चन 20 सेकंड के भी लायक नहीं है लेकिन आप लोगों को आंसर देना होगा बता दो भाई आंसर क्या आ रहा है जल्दी से आंसर बताइए गजेंद्र बहुत बढ़िया भाई प्रिया दौली बहुत बढ़िया शानदार सोलिवालिक बहुत अच्छा भाई विनीता कुमारी बहुत अच्छा भाई जो आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया बो, बोलो भाई टाइम इज मेरे प्यारे साथियों एक बात बताइएगा अगर हम यहां पे दो का मल्टीप्लाई कर दे तो आपने बोला दस दूनी बीस ठीक है यहां पे दो का मल्टीप्लाई कर दो यहां पर तीन को जोड़ दो तो तेईस होगा अगर आप फिर से चार का गुणा करोगे ना पहले दो का गुणा किया तीन जोड़ा चार का गुणा करेंगे यहां पे पांच जोड़ेंगे तो बच्चा देख लो तेईस सौ का बीस सौ का अस्सी तीन सौ का बारह एक सौ बानवे और एक सौ बानवे सॉरी बानवे आएगा नाइनटी टू और पांच जोड़ेंगे तो संतानवे बच्चों एक बात बताओ यहां पर छह का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा पांच और मेरे प्यारे साथियों अगर आगे भी निकालना हो तो कितना करोगे साथ जोड़ देना तो राइट आंसर कितना होगा 92 होगा अच्छा ये तो आंसर सारे बच्चे दिए होंगे बोलो भाई कितने बच्चे दे रहे हैं भाई तो ऑप्शन नंबर डी कितने बच्चों ने आंसर दिया सोलीवाल 92 बहुत बढ़िया भाई प्रिया दौली नाइनटी बहुत शानदार गजब आंसर तो देना होगा आप लोग को अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए बोलो भाई गया है दिए गए डायग्राम में टोटल कितने ट्रायंगल हैं अच्छा देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है क्वेश्चन बहुत इजी है बस अर्थे समझने की जरूरत है करो भाई सभी बच्चे सभी छात्रों को इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर देना होगा हा भाई बताइए क्या आंसर आ रहा है Time is over. देखो बच्चों क्या आंसर देना पसंद करोगे बच्चों ने सही जवाब दिया हम भी देख लेंगे भाई। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात देखो भाई, इसका आंसर क्या आएगा कितने बच्चे आंसर नहीं है बच्चों एक बात बताओ यहां पर तीन होंगे कि नहीं होंगे अरे जब भी हम आप लोगों को पढ़ाते हैं यहां पर एक बात गौर से सुनिएगा सर यहां पर तीन होते हैं आपने बोला जी गुरु जी तो तीन यहां पर तीन दूनी छह तीन त्रीका नौ तीन चौ का बारह अरे तीन तीन छीन तीन का नौ तीन चौका बारह तीन पचे पंद्रह तीन छिंग अठारह तीन सतह इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और छब्बीस अच्छा एक बात बताओ क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा ट्रेंगल है जो बन रहा है तो इसके अलावा कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं है जो हमारा एक्स्ट्रा बन रहा है तो केवल 26 होंगे ना तो कम होंगे ना ज्यादा होंगे क्योंकि कंबाइंड नहीं हो पा रहे तो कितने बच्चों ने 26 आंसर दिया भाई बहुत शानदार गजब आंसर अमित मौर्य सोलीवाल प्रिया दौली बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया गजब लाजवाब आंसर दे रहे भाई बहुत गजब लाजवाब आंसर दे रहे तो चलना होगा अगले क्वेश्चन पे बता दो भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जल्दी जल्दी आप लोग को आंसर देना होगा केवल ट्वेंटी सेकेंड का टाइम है थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा और देखिएगा कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है करो भाई जो रिलेशन पहले वाले का दूसरे के साथ है वही रिलेशन फिफ्टी वन का किसके साथ होगा कीजिए आप सभी लोग बताइए आंसर क्या आ रहा है बता दो भाई आंसर क्या आ रहा है रीनू कौशिक ट्वेंटी सिक्स अच्छा ठीक है भाई पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत तो बढ़िया शानदार भाई करो भाई सभी बच्चे टाइम इज ओवर भाई अरे कुछ ज्यादा समय दे दिया अभी तक आंसर नहीं है क्या आंसर दे रहे हैं भाई अभी तक नहीं आंसर आ रहा बच्चों एक बात सुनिएगा पहले काम करिया करो जो हमारी वीडियो है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग लाइक किया कीजिए इसको शेयर किया कीजिए ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच जाए और बिंदास तरीके से आंसर दिया कीजिए अगर बच्चों हम यहां पे देखो भी क्या की जा रहा है नाइनटी कैसे आ रहा थोड़ा सा दिमाग लगाइए हल्का सा अगर आप लोगों ने दिमाग लगाया तो क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा अगर हम यहाँ पे तीन से डिवाइड बच्चा कर दे तो कितने बार कटेगा तेरह बार कटेगा और तेरह में सात का मल्टीप्लाई कर दो तेरह में कितने का मल्टीप्लाई कर दो सात का मल्टीप्लाई कर देंगे तो तेरह सत्य इक्यानवे क्या हम कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इसमें तीन का डिवाइड करोगे ना तो ये सत्रह आएगा और जिस प्रकार आपने इसमें सात का मल्टीप्लाई किया सेम उसी प्रकार सत्रह में सात का मल्टीप्लाई करेंगे तो सत्रह सत्य होता है एक सौ उन्नीस और ये बताइए वन एक ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा अच्छा एक बात आप लोग बता दो क्या आप लोग का भी यही जवाब जो हमारा आ रहा है देखे भाई तो बहुत शानदार गजब बहुत शानदार गजब भाई सभी बच्चों का आंसर आ रहा है अब देना होगा आप लोगों को बिना लेट के इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे क्रम में लगे हैं और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और सभी एक बात और जितने भी क्वेश्चन है ना आज के वो सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है तो बच्चों एक काम कीजिएगा एक बार जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर देंगे जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर देंगे केवल 20 सेकंड का ही समय आप लोगों को मिलेगा कीजिए और सभी बच्चे आंसर दीजिए आंसर मिला है अमित को अमित मौर्य का 119 बहुत अच्छी बात है दिल मीना एक है सर जी बिल्कुल भाई गजेंद्र 119 सौ विनीता कुमारी रीनू कौशिक बहुत बढ़िया भाई दिव्या पांडे 64 64 इसका आंसर 64 आएगा भाई चलो भाई 64 कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई बताओ कितने बच्चे आंसर 64 दे रहे हैं स्टूडेंट पावर बोल रहे हैं सिक्सटी थ्री है प्रिया दौली का भी है विकास भी, भी 64 देखना है 64 है कि नहीं एक बात बताइए आप सब लोगों को बताए कि इसका परफेक्ट रूल क्या सॉरी इसका परफेक्ट रूट क्या होगा अगर हम बात करते तीन सौ तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर अगर इसका रूट लोगे तो कितने का होता है बोला अठारह का सर दिमाग की बत्ती जलाना ये कितने का रूट होता है आपने बोला सर 24 का एक बात बताइए इसका रूट ले लो और इसमें एक जोड़ दोगे तो क्या ये 19 नहीं बन जाएगा जी गुरु जी तो अगर चौबीस में एक जोड़ देंगे तो यहां पच्चीस नहीं बनेगा जी गुरु जी तो एक बात बताओ यहां पे जब चौसठ रखेंगे और इसका रूट करेंगे तभी तो आठ आएगा ना और अपने मन से कितना जोड़ेंगे एक तो आठ और एक क्या हो जाएगा नौ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं और जिन बच्चों ने वास्तव में यहां पे ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है बहुत शानदार गजब लाजवाब टिक किया है तो अब बच्चों चलना होगा अगले क्वेश्चन पे और आपको बताना होगा कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है ना इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन रखने पर यह पूरी तरह सेटिस्फाई होगा तो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे करो सभी बच्चे भाई एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे 64 विनीता का भी स्टूडेंट पावर 64 बहुत बढ़िया भाई गजेंद्र एल पी सिक्सटी बहुत बढ़िया शानदार सचिन कुमार गुड इवनिंग भाई सचिन कुमार सौरभ 64 बहुत बढ़िया भाई दिव्या पांडे डी

यहां पे प्लस कर दिया यहां पे अगर हम डिवाइड कर दे यहां पे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कर दे तो देखो क्या आएगा अगर आप 24 में चार का भाग दोगे छे बच्चों यहां पे आएगा 12 सॉरी क्या लिख रहे हैं भाई यहां पे 12 है और यहां पे कितना हो जाएगा भाई तो यहां पे आप लोग आएगा छह दोनी बारह क्या कर दिए भाई चार छिंग चौबीस छह दो बारह और बच्चा ये ये गड़बड़ हो रहा लग रहा गड़बड़ की हो भाई डी ऑप्शन नहीं आएगा डी ऑप्शन में प्लस ये है डिवाइडेड बाई ये है मल्टीप्लाई ये है और इक्वल टू ये अगर भाग दोगे तो छह यहां पे गुणे दो है प्लस क्या कितना है आप लोग का भाई यहां पे बारह है छह दूनी बारह 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 चौबीस नहीं भाई गलत डी ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई क्यों डी दे दिया एक काम करो भाई यहां पे उठाते हैं कुछ बच्चों ने जो बी दिया है बी को उठा लेते हैं भाई तो बी यहां पे माइनस है यहां पर मल्टीप्लाई है यहां पे प्लस है यहां पे इक्वल टू जरा देखते हैं सही की गलत है तो आपने बोला चौबीस का सर ये भी नहीं बनेगा अगर देखा जाए तो ये भी लॉजिक नहीं बनेगा क्या आंसर दिए पढ़े हो भाई ऑप्शन नंबर ए को उठा लिया जाए चलो भाई ये भी गलत अब एक काम करते हैं यहां पे प्लस यहां पे मल्टीप्लाई यहां पे डिवाइड और यहां टू अगर हम इसमें भाग देते हैं तो दो बार जा रहा है चौबीस दुनी अड़तालीस और प्लस बारह तो यहां पर आएगा साठ और केवल पहला ऑप्शन सही होगा तो हमारे प्यारे साथियों बताओ कितना गलत जवाब दे रहे भाई डी नहीं होगा केवल ऑप्शन नंबर बी ना तो बी ना डी केवल ऑप्शन नंबर ए होगा और जिन छा, छात्रों ने ऑप्शन ए दिया है बहुत शानदार भाई ए होगा बिल्कुल राइट आंसर ए अच्छा देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे दे रहे हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे दे रहे हैं बस ये देखने की बात है है भाई केवल बीस सेकंड का समय हाँ, बिल्कुल साइड हट जा रहे हैं देखते हैं कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने वास्तव में बहुत शानदार आंसर दिया है सर ऑप्शन ए विल करेक्ट आंसर विकास बहुत शानदार भाई जयंत सोरेन बहुत बढ़िया शानदार भाई प्रिया दौली बिल्कुल सही है गजेंद्र एल्पी शमापाल दिल मीना बिल्कुल भाई ए ऑप्शन शमापाल है प्रथम बहुत बढ़िया आंसर भाई स्टूडेंट पावर ए बिल्कुल सही है भाई रीनू कौशिक ए बहुत शानदार आंसर है जल्दी से बताओ भाई टाइम हमने आप लोगों तो को ज्यादा दे दिया है अच्छा एक बात बताओ 20 सेकेंड का क्वेश्चन है कोई आंसर देगा इसका यहां रहे हैं ऑप्शन नंबर ए अच्छा देखो भाई ऑप्शन नंबर ए पहले क्वेश्चन का जवाब है इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या आएगा अच्छा मेरी एक बात सुन लो कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं बोलो भाई कितने ऐसे छात्र जो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा है एक बात बताइए अगर इनके बीच हम मल्टीप्लाई करा दे तो चार्तिया बारह होगा आपने बोला जी गुरु जी और अगर हम इसका स्क्वायर कर दे इसका स्क्वायर करके जोड़ दे तो चार और एक पांच होगा अरे वाह क्या लॉजिक है सर इनका मल्टीप्लाई कर दो सात पना पैंतीस होगा और पैंतीस का मतलब पांच का स्क्वायर करोगे तीन का स्क्वायर करोगे और पच्चीस नौ चौतीस होता है तो बोलो हम लोग क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई कर दीजिए आठ चौ बत्तीस होगा और बत्तीस का मतलब होता है आप इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो नौ और चार तेरा होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है दिलमीना मीना फोर्टी एट गलत है सर जी बिल्कुल गलत आंसर है केवल तेरा राइट आंसर होगा तो कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया अभी राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे डायरेक्टली हम लोग का आंसर यहां से आ जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों अब आते हैं इस क्वेश्चन में अब यह मत कहना कि सर यह गलत होगा बिल्कुल गलत नहीं करना है आप लोग को थोड़ा सा भी गलत नहीं करना है देखिए भाई रिनु कौशिक थर्टीन ठीक है भाई जैन सोरेन गया क्या भाई आंसर आ गया कि क्या बोले हुआ? शमापाल सी ऑप्शन सोलीवाल हितिक यहाँ पे वैक्स सी भाई पूजा गुप्ता 13 बहुत बढ़िया भाई सी ऑप्शन प्रिया दौली 13 है भाई बहुत अच्छा आंसर भाई जल्दी से बता दो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल 20 सेकंड का समय है एक बात बताइएगा दिमाग पे थोड़ा जोर डालिएगा दिमाग पे जोर डालिए सर अगर हम इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो 7 आएगा ना सर दो से भाग दे दो और दो जोड़ दो तो सात दो नौ क्या हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं दो से डिवाइड दे दो और दो से डिवाइड देके दो जोड़ दो तो जब दो से भाग दोगे तेरह दो जोड़ोगे पंद्रह तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही तो आएगा ना बोलो भाई क्या आंसर दे रहे तो तो हो आप लोग तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे भाई यहाँ पे बारह बारह कैसे हो जाएगा भाई पंद्रह आंसर आएगा भाई पंद्रह आंसर आएगा जल्दी से टिक कर लीजिए भाई प्रिया दौली का भाई पंद्रह बिल्कुल सही है अब देना होगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा अब देखो अब यह मत कहना कि नहीं सर हम इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे ऐसा काम बिल्कुल मत करना इसका जवाब आप लोग को हर बार देना होगा तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे केवल बीस सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देंगे इसमें ऐसी कोई भी बड़ी चीज नहीं है कि जिससे देख के आपको ऐसा लगे कि नहीं सर बहुत टफ है बहुत सिंपल है बसरते पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को आंसर देना होगा कब केवल 20 सेकंड देखो भाई कितना ज्यादा टाइम हो गया बहुत ज्यादा समय हो गया मेरे प्यारे साथियों अगर छह में दो का गुणा करेंगे बारह आएगा और बारह में हम लोग आठ जोड़ देंगे बीस होगा गुरुजी क्या समझाएं हम ये कह रहे हैं बच्चा कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सातों का अट्ठाईस दो जोड़ देंगे तो तीस अरे वाह तो यहाँ पे आठ छिंग अड़तालीस होगा और अड़तालीस में सात जोड़ेंगे तो क्या हमारा पचपन नहीं होगा अगर हमने पचपन आंसर दिया है तो आप लोग ने क्या दिया जरा हम भी कमेंट बॉक्स में देख लें तो शानदार पचपन आ रहा भाई बहुत बढ़िया शानदार अच्छा कितने बच्चों ने पचपन दिया है प्रिया दौली विकास रीनू गजेंद्र एल बहुत अच्छी बात है भाई यहाँ पे दिल मीना बहुत शानदार पूजा गुप्ता भाई शोलीवाल बहुत शानदार आप लोग आंसर दे रहे हैं अच्छा देखो अब यह मत करना कि सर जी हम भाग जाएंगे इस क्वेश्चन को देखकर भागना नहीं देखो हर क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग ले लाते हैं अगर हम हर टाइप के क्वेश्चन लाते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग को आंसर देना होगा और ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में एलपी में पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है और फटाक से आंसर देना होगा करो सभी बच्चे बिल्कुल शानदार गजब का लाजवाब क्वेश्चन है भाई और सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का लाजवाब आंसर देना होगा तो एक बार सभी बच्चे बेहतरीन आंसर देने की कोशिश करेंगे करो भाई सभी बच्चे आंसर दीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना होगा और बेहतरीन आंसर देना होगा बोलो भाई क्वेश्चन समझ रहे हो बिल्कुल हम साइड में हो गए आप लोगों को क्वेश्चन कंटिन्यू करना होगा बताइए आंसर क्या आ रहा है समय भी बीत गया है कोई बच्चा अब तक जवाब नहीं दे रहा है चलो भाई जल्दी से आंसर दीजिए भाई जल्दी से आंसर दीजिए तो यहां पे जो आंसर आ रहा है भाई यहां पे आंसर आ रहा है थ्री 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 प्रिया दौली का थ्री आ गया है इंद्रजीत राठौर ऑप्शन नंबर ए कुछ लोग बोलने डी कुछ लोग बोल रहे सचिन कुमार बोलने नहीं यहाँ पे एल पी थ्री देखते हैं तीन है दो है या क्या है एक बात सुनिएगा एक बात ये बताइएगा सर नीचे जो आप लोग का ये अरेंजमेंट दिया गया है ना इसमें ऐसे कितने अक्षर है अक्षर पूछ रहा है ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में अक्षर नहीं है यानी सिंपल सी भाषा में ऐसे कितने अक्षर हैं ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है ठीक पहले क्या है एक संख्या है लेकिन बाद में अक्षर नहीं होना चाहिए अक्षर नहीं होना चाहिए तो एक काम करो सबसे पहले आपने क्या किया संख्या देखो देखो भाई ऐसे कितनी अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या तो भैया संख्या मिली इस अक्षर के ठीक पहले एक संख्या है ठीक पहले एक संख्या है लेकिन बाद में अक्षर नहीं होना चाहिए सर ये तो बाद में अच्छा रहना ये आई है आई ये नहीं होना चाहिए संख्या होता तो चलता गड़बड़ सर अब देखो यहां पे संख्या मिली तो ऐसे कितने अक्षर अच्छा है जिनके ठीक पहले एक संख्या होगी लेकिन बाद में अक्षर अच्छा नहीं होंगे तो अक्षर अच्छा नहीं है संख्या है तो एक तो ये मिल गया आगे देखो ये क्या हो जाएगा सर यहां अगर इसकी बात करते हैं जीरो की तो आपने सॉरी ये ओ है जीरो नहीं है ओ है अगर ये ओ अक्षर है तो इसके ठीक पहले एक संख्या है लेकिन ठीक बाद में कोई अक्षर नहीं है यानी संख्या हो गया अब कोई आपको दिखाई दे रहा है हमको तो केवल दो दिखाई दे रहे आपको क्या ज्यादा दिख गया भाई बता दो कितने बच्चे केवल दो होगा तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी होगा भाई ये कौन है स्टाइलिंग गेमिंग दो तीन लिखे अरे वाक्य बात है दो भी लिख रहे हैं तीन केवल दो राइट आंसर होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का केवल केवल ऑप्शन नंबर बी अब देना होगा आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा ये क्वेश्चन देखते ही कुछ हमारे प्यारे साथी भाग जाते हैं कहते हैं नहीं अरे सर ये नहीं करेंगे स्टेटमेंट वाले हैं कथन वाले सिलोलिज्म बड़ा बोरिंग लगता है आएगा एग्जाम में एग्जाम में आएगा और हंड्रेड परसेंट आएगा लेकिन आप लोग को फुल कॉन्फिडेंस से करना होगा करो भाई सभी बच्चे दीपिका ठीक है भाई बी ऑप्शन है क्षमापाल सचिन कुमार ब्रजेश मौर्य बहुत शानदार इंद्रजीत कौन है भाई बिश्नोईगढ़ भाई बीस ऑप्शन ठीक है भाई बहुत शानदार भाई जिन बच्चों ने इसके पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया भाई काफी बच्चों ने बहुत बेहतरीन शानदार आंसर दिया मेरे प्यारे साथी टाइम इज ओवर सुन लो क्या बोला गया है कुछ मेज किताबें हैं मेरे प्यारे साथियों कुछ मेज क्या है तो आपने बोला किताब है तो हमने किताब बना दिया अब देखो क्या बोल रहा है अब तो ये कह रहा है कि सभी किताबें कुर्सियां हैं तो सभी किताब क्या है सभी किताब कुर्सी है तो सभी किताब कुर्सी हो गई ये था कथन अब सुन लीजिए कुछ किताबें मेज है क्या ये बात सही है कुछ किताब जो है मेज है सर बिल्कुल सही है कुछ कुर्सियां किताबें हैं कुछ कुर्सी किताब है सर दोनों सही है तो दोनों ही अनुसरण करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करोगे कि नहीं करोगे बता दो भाई कितने बच्चों ने सी को टिक किया है तो शानदार सभी बच्चों ने सी को टिक किया है गजेंद्र गजेंद्रोग सचिन ब्रिजेश मौर्य पूजा गुप्ता शानदार आंसर दे रहे हैं तो अब चलना होगा बच्चों अगले क्वेश्चन पे और ये भी कथन वाला है ये भी कथन वाला है और कथन वाले क्वेश्चन से भागना नहीं है अब एक काम कीजिए पहले तो हम ये देखें कितने बच्चों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सही दिया है प्रिया दौली बोथ आंसर बिल्कुल सही भाई ऑप्शन नंबर सी सी बहुत अच्छी बात है भाई गजेंद्र नवीन कुमार शर्मा गुड इवनिंग भाई इंद्रजीत राठौर बहुत शानदार भाई सी बहुत शानदार सी बहुत अच्छा आंसर दिया भाई जिन बच्चों का सी आ रहा है क्षमापाल सी बता दो बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा अब ये मत करना कि नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे आप हर हाल में इसका सही जवाब देंगे ऐसा नहीं कि आप गलत जवाब देंगे हर हाल में सही दोगे सुनिएगा सभी बढ़ाई श्रमिक सॉरी क्या होगा सभी बढ़ाई क्या है भाई तो यहां पर सभी बढ़ाई जो है वो श्रमिक है आपने बोला सभी बढ़ाई कौन है तो सभी बढ़ाई जो है श्रमिक है बहुत बढ़िया भाई श्रमिक हो गए अब सुनिएगा सभी श्रमिक परिश्रमी हैं दूसरी लाइन तेरा जितने भी श्रमिक है ना ये सारे के सारे बच्चों परिश्रमी है बहुत बढ़िया शानदार अब देख लो क्या बोल रहा है क्या सभी परिश्रमी लोग श्रमिक हैं सभी परिश्रमी लोग श्रमिक हैं ना बाबा ना कुछ परिश्रमी लोग श्रमिक होंगे तब तो ये गलत हो गया ना भैया अब सुनिए सभी बढ़ई परिश्रमी है तो ये तो बात सही है सभी बढ़ई क्या है परिश्रमी है तो आपने बोला सर ऑप्शन नंबर बी टिक है यानी केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा और आपको देखना है कि दूसरा मतलब ऑप्शन नंबर सी फिर से अगेन क्या सी यार भाई यहां पे बच्चों ने डी क्यों बोल दिया भाई नेहा प्रजापति का तो सी बिल्कुल सही है सचिन बोल रहे सर ए होगा यहाँ पे भाई प्रिया दौली बोली ओनली टू फॉलो तो जिस बच्चे ने कहा है ओनली टू फॉलो बहुत शानदार यानी केवल मालूम है गलती कहां कर रहे हो आप लोग गलती देखो फिर से पढ़ो क्या बोल रहे हैं सभी परिश्रमी लोग श्रमिक है भाई परिश्रम बाहर है श्रमिक अंदर है तो कुछ परिश्रमी लोग श्रमिक होंगे सारे नहीं होंगे बात समझ में आ गई होगी केवल दूसरा कितने बच्चे बोल दे नहीं समझ में आ रहा बस इतना बता दे नहीं समझ में आ रहा अच्छा सभी बच्चों का मैक्सिमम बच्चों का सी आ गया बहुत शानदार तो बच्चों अब देना होगा इस क्वेश्चन आंखों को बिल्कुल खोल लीजिए सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अपनी आंखों को पूरा खोल लीजिए और बिल्कुल मन के साथ बिल्कुल तन मन के साथ इस क्वेश्चन को आप यह पहचानिए कि यहां पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा क्या वो ए आएगा या ये बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा अब आप ही लोग बताइए क्या आएगा अब कहोगे सर जी टाइम दे दो हम टाइम देंगे जरूर देंगे सर गजेंद्र एलपी क्लियर है नेहा प्रजापति सी ठीक है करो भाई अच्छा हम साइड हट जा रहे हैं भाई बिल्कुल आप एक बार बोलो तो सही बिल्कुल साइड हट जाएंगे भाई चलिए भाई बता दो आंसर कितना आ रहा है सभी बच्चों को आंसर देना होगा बोलो भाई क्या आ रहा है जल्दी से आप लोग बोलिए एक बार फटाक से आप लोग को आंसर बोलना होगा भाई जल्दी से बता दो भाई टाइम इज ओवर अच्छा मेरी एक बात सुनो क्या कोई बच्चा आंसर दे रहा भाई क्या कोई आंसर दे रहा भाई सर ऑप्शन नहीं दिख रहा एक मिनट भाई रुक जाएगा लो समझो भाई आप देखो भाई आंसर दिख रहा होगा बच्चा एक बात समझिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा हम क्या करें मेरी बातों को बस एक बार समझ लो और यह बताओ कि इसमें आखिर वास्तव में क्या हो रहा है कितने बच्चे आंसर के करीब हैं यह बता दीजिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी को लॉक कर दो अच्छा मेरी एक बात सुनो यह डार्क है कि नहीं डार्क है ना आपने बोला जी गुरु जी अच्छा एक नहीं हमने एक दो खानों को छोड़कर अब यहां पर डार्क कर दिया आपने अगर वहा सर देखो ये आ गया हम कह रहे हैं कि अब फिर से एक दो छोड़कर यहां पे डार्क कर देंगे यस सर ये बन गया अब हम कह रहे हैं इन दोनों यानी ये वो डायग्राम आ गया ये डायग्राम आया कि नहीं आया भाई देखो सीधे यहां पर डार्क यहां पर डार्क यहां पर डार्क हम कह रहे अब इन दोनों को छोड़कर यहां पर डार्क कर देंगे जी गुरु जी डार्क हो गया तो भाई ये डायग्राम यहां पे बन गया अब हम कह रहे हैं इन दोनों को छोड़कर यहां पे डार्क कर देंगे तो ये डार्क हो गया यानी आपने देखा केवल तीन खाली हैं एक ये दूसरा ये तीसरा ये वो भी किस सेफ में देखो ये ट्रायंगल सेफ ले जाओ तो एक दो तीन खाली है तो जाहिर सी बातें यहां पे यही डायग्राम बन के आएगा छोटे में तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ यहां पे अगर ट्रेंगल शेप में लेंगे तो, तो भरा है गड़बड़ सर यहां पे देखो सर यहां पे भी ब्लैक है नहीं होगा यहां पर ब्लैक बना है सर कभी नहीं होगा और ये देखो ये पूरे तीनों के तीनों सर्कल खाली है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा और देखना है कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है तो बिल्कुल शानदार गजब का लाजवाब आंसर दे रहे हैं अब देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना केवल दो सेकंड का है लेकिन बच्चे इसमें भी गलत आंसर देंगे तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कभी भी इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर गलत करने की कोशिश नहीं करेंगे एक बार सभी बच्चे फ्रेश माइंड के साथ फ्रेश माइंड के साथ देखेंगे तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई बताइए जल्दी से बोलो भाई हम बिल्कुल साइड हट जा रहे हैं तो यहां पर बहुत बढ़िया भाई सुनील राठौर सी लॉक कर दिया जाए पहले क्वेश्चन का ठीक ठीक है ब्रिजेस, ठीक। नहीं इसका सी बोल रहे आप लोग सुमन यादव सी बोल रही भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग का सी आ रहा है जरा हम भी देखे भाई क्या बोल रहे हैं आप लोग सुनिएगा बच्चों कुछ नहीं किया गया है अगर तीन में एक जोड़ दें तो चार अरे वाह गुरुजी आठ में एक जोड़ेंगे नौ दो में एक जोड़ेंगे तीन और चार में एक जोड़ेंगे पांच सब में एक एक जोड़ दो तो बच्चा पांच में एक जोड़ेंगे छह सात में एक जोड़ा आठ एक में एक जोड़ा दो और छह में एक जोड़ा सात तो यहां पे छह हजार आठ सौ सत्ताईस और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और जिन बच्चों ने सी दिया है वास्तव में बहुत शानदार गजब लाजवाब आंसर दे रहे हैं तो अब एक काम करना होगा आप लोगों को अब देना होगा अगले क्वेश्चन का आंसर अच्छा अब इसमें किसी प्रकार से गलती नहीं करेंगे आप लोग करो भाई किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए ये प्लस है मेरे प्यारे साथियों ये प्लस है और ये डिवाइड है याद रखना एक प्लस है और दूसरा डिवाइड है कीजिए सभी बच्चे इंद्रजीत राठौर बहुत शानदार भाई ऋचा शर्मा सी ऑप्शन बिल्कुल भाई सुनील राठौर सी लॉक कर दिया जाए बिल्कुल ही लॉक कर दिए शानदार गजब बच्चों भाई क्षमापाल सी ऑप्शन विनिता कुमारी बहुत बढ़िया भाई रिनू कौशिक बिल्कुल शानदार बिश्नोई गल बिल्कुल शानदार भाई सचिन कुमार बिल्कुल बढ़िया शानदार आंसर है भाई बिल्कुल शानदार अजय पाल सिंह बहुत शानदार अभिषेक कश्यप बहुत शानदार भाई बहुत बढ़िया शानदार जल्दी से दे दो भाई इस क्वेश्चन का आंसर कहा गया है कि अगर प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस रखा जाए तो बताओ कौन सा इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आप लोग का बैलेंस होगा ये आप लोग को तय करना है ये आप लोग को बताना है समय हम ब, बिल्कुल से आप लोग को भाई सफिशियंट अच्छा यहां पे बोल रहे जो डब्ल्यू एच एस्परेंट है बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर ए प्रमोद बोल रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी होगा दिलीप बोल रहे हैं सी होगा अच्छा देखो भाई ये युद्ध चल रहा है आप लोग का ए है सी है सी है अच्छा सी वाले बहुत ज्यादा बोल रहे हैं क्या बात है भाई क्या सी सही है क्या एक बार एक काम करते हैं चेक कर लेते हैं भाई सी है कि ए है तो ज्यादा दो तीन बच्चे सी बोल रहे हैं सी को देख लिया जाए जहां प्लस है वहां पे डिवाइड कर देते हैं तो बच्चा हमने जहां प्लस है ना वहां पे डिवाइड कर दिया और डिवाइड जहां पे है वहां पे प्लस कर दिया देखते हैं आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों अगर डिवाइड करेंगे ना तो ग्यारह दूनी बाईस बात समझ रहे हो और आठ दूनी सोलह प्लस तीन उन्नीस अरे ये तो बिल्कुल सही है भाई अगर भाग दोगे गए दो आठ दो, दो सोलह तीन उन्नीस उन्नीस बराबर उन्नीस तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं भाई ऑप्शन ए गलत तो होगा जो बच्चे आंसर दे रहे हैं सी बिल्कुल राइट आंसर है तो अब बच्चों चलना होगा अगले क्वेश्चन पे एक बार फटाक से देना होगा आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है अब यह मत कहना कि सर इसको कर नहीं पाएंगे करना तो आप लोग को ही होगा और हर हाल में करना होगा बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए भाई सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर देना होगा और बताना होगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब लाजवाब आंसर क्या होगा तो एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन का फटाक से आंसर देंगे बहुत बढ़िया भाई शानदार आंसर बहुत बढ़िया गजब बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं सारे बच्चे बहुत बढ़िया शानदार आंसर दे रहे हैं भाई बता दो भाई आंसर क्या रहा है बिल्कुल हम साइड हो गए हैं बिल्कुल साइड हो गए हैं और जवाब आप लोग को देना होगा बता दो भाई टाइम इज ओवर मेरे प्यारे साथियों टाइम इज ओवर देखो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है कह रहा है प्रिंस पॉइंट ए से कितने बच्चे आंसर दे रहे भाई प्रिंस पॉइंट ए से छह किलोमीटर ड्राइव करता है सुनिएगा और राइट मुड़ता है तीन किलोमीटर जाता है ठीक फिर वह राइट मुड़ता है और आठ किलोमीटर जगह तो छ तो ये हो गया था दो किलोमीटर और चलता है आठ किलोमीटर ड्राइव करता है और वह एक बार फिर से राइट मुड़ता है और पॉइंट बी पर पहुंचता है मान लेते हैं पॉइंट ए था तो कहा गया है कि ये बताओ बी तक पहुंचने के लिए तीन ड्राइव करता है ठीक बहुत बढ़िया बात है पॉइंट ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी अरे वाह सर जब दो ये है तो हमें दो ये भी होगा केवल दो किलोमीटर पूरब में चलना होगा और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और कितने बच्चों ने डी बोला है तो सभी बच्चों का आ रहा ऑप्शन नंबर डी तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बता दो भाई इस क्वेश्चन का आंसर अब ये मत कहना कि सर ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे हर हाल में आप लोग को ही करना होगा अभी तो बिल्कुल ये शुरुआत है बिल्कुल शुरुआत है बस गजब के आंसर देना होगा बताइए भाई सभी बच्चों को भाई बहुत शानदार भाई आंसर दे रहे है। हैं बहुत बढ़िया शानदार भाई जल्दी से आप लोग फटाक से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सभी बच्चे एक बार बेहतरीन आंसर देंगे बताइए आखिर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है एक बार लॉजिक आप लोग बताइएगा क्या आंसर आ रहा है भाई बहुत शानदार गजब भाई टाइम इज ओवर देखो भाई क्या हो रहा है अगर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो सात तीन दस होगा और दस में अगर आप चार घटा दोगे तो आ जाएगा छह बिल्कुल सही इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ दो तो तीन तीन आएगा और नौ घटा दोगे तो माइनस तीन आएगा तो बच्चों अगर इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो दस आएगा और माइनस का आठ घटा दोगे तो दो आएगा तो राइट आंसर हो जाएगा दो और हमारा दो बराबर क्या है तो ऑप्शन नंबर सी अब ये बताइए क्या आप लोग ने भी यही आंसर दिया है तो बहुत शानदार बहुत तेजी से चलना होगा अगले क्वेश्चन पे अब बताओ इसको ये तो मुश्किल से पांच सेकंड का भी नहीं दो सेकंड का है मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार जवाब दे दो देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है अगर हम इसका दुगना करके एक जोड़ दें, पांच दस एक ग्यारह ग्यारह दूनी बाईस एक तेईस तेईस दूनी छियालीस एक सैंतालीस बच्चों ये बताओ सैतालीस दूनी कितना होगा तो ये नाइनटी फोर प्लस एक यानी पंचानवे तो जब इसका दुगना करके एक जोड़ेंगे तो यह नौ नौ अठारह पन्द्रह कितना होगा यहां पे 190 में जब एक जोड़ेंगे तो 191 आएगा और यहां पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सिंपल था लेकिन सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था जिसकी वजह से हमने इसको लगाया तो बच्चों अब देना होगा अगले क्वेश्चन का आंसर बहुत शानदार क्वेश्चन है गड़बड़ी बिल्कुल मत करना अभी हाल ही में आपने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर देंगे और बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा सही जवाब क्या होगा तो एक बार सभी बच्चे अलर्ट हो जाए भाई बहुत शानदार भाई बहुत शानदार आप लोग आंसर दे रहे हैं एक बार सभी बच्चों को बिल्कुल लाजवाब आंसर देना होगा बताओ भाई केवल 20 मिनट का टाइम मिलेगा आप लोगों को बस 20 सेकंड टाइम इज और मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओ क्या क्या आंसर आंसर दे रहे हो भाई बोलो दोगे पहले वाले को ले ले भाई चलो पहले वाले को लेते हैं यहां पे हमने डिवाइड कर दिया कोई दिक्कत नहीं सर यहां पे माइनस कर दिया यहां पे प्लस कर दिया यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया अब एक बात बताइए यहां पे 30 लाना और आप लोग देख रहे हो पिछहत्तर गुणे इक्कीस कभी लॉजिक लगेगा नहीं सर ये गलत तो हो जाएगा काट दो बिल्कुल नहीं आएगा अब क्या करना होगा ऑप्शन नंबर दो को ले लो तो बच्चों अगर यहां पे गुणा कर दोगे यहां पर एक लोगे ठीक है यहां पे प्लस कर दोगे माइनस कर दोगे बराबर कर दो तो बच्चा बताओ कितना आएगा चौदह गुणे एक माइनस का पंद्रह और अरे माइनस नहीं होगा भाई यहां पे क्या हमने किया है मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड है बच्चों एक बात बताओ अगर इसको हम ऐसे लिख दें एक बटे पंद्रह तो कोई दिक्कत ना गुरुजी और यहां पे क्या है बच्चा प्लस पिछहत्तर ये भी नहीं बनेगा ये भी नहीं बनेगा काट दो भाई ऑप्शन दो भी गलत तो हो जाएगा अब एक काम करते हैं ऑप्शन सी को लो यहां पे माइनस हो गया बच्चों मल्टीप्लाई हो गया यहां पे प्लस हो गया बहुत अच्छी बात है और यहां पर डिवाइड हो गया क्या इसको करोगे इसको करके देखो भाई क्या आ रहा है इसको करके देखिए क्या आ रहा है तो बच्चों ये दोनों तो गलत हो गए तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी को चेक करो भाई ऑप्शन नंबर डी जल्दी यहां पर डी की बात करते माइनस हो गया डिवाइड हो गया यहां पे मल्टीप्लाई और यहां पे बच्चा प्लस एक काम करो चौदह माइनस एक और यहां एक बटे पिछह पंद्रा, 75 और प्लस ट्वेंटी वन होगा पंद्रह से काटो पंद्रह कुछ नहीं करना सॉल्व कर लो तीस आ जाएगा में से पांच घटा देंगे 9, 21, 9, 30, तो तीस बराबर तीस होगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आप लोग को एक काम करना कितने बच्चों ने सही जवाब दिया तो सभी बच्चों का बहुत लाजवाब आंसर आया है अब देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो इस प्रकार के आने वाले क्वेश्चन जो आप लोग अल्फाबेटिकल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा देखो भाई क्या बोला गया कहा गया है कि इनको सॉरी इनको, इनको इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सही शब्द कोष में दिखाना है और यह बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे सोलीवाल डी बहुत अच्छा आंसर दिया था भाई जयंत सोरेन डी बहुत अच्छी बात है सुनील राठौर विनीता कुमारी नेहा प्रजापति बिल्कुल शानदार आंसर दे रहे हैं डब्ल्यू एस जी भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है गजेंद्र का भी सी आ बहुत शानदार भाई एक बार जल्दी से बताइए प्रिया दौली सी बिल्कुल भाई अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है भाई क्या दो, दोगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ठीक है भाई देख लेते क्या आंसर आ रहा है एक छोटी सी बात भाई सब में P कॉमन है बच्चों कट जाएगा सब में U कॉमन है कट जाएगा अब एक बात बताइए सर यहाँ पे S है यहां पे T R R आपको पता है सर एक बात सुन लो भाई सबसे 19 देखो 19 पहले आएगा 20 बाद में आएगा तो हमें यह पता है सर यह 18 है ये 19 है और ये 20 है तो हमें पता है सर 6 पहले तो आएगा आप लोग 19 और बाद में आएगा आप लोग क्या भाई बीस तो आपने बोला सर पहले उन्नीस बाद में भी छह और पांच किसी ऑप्शन के लास्ट में छह पांच आ रहा है देखो भाई छह पांच यहां पर भी छह पांच यहां पे भी ये दोनों नहीं होंगे इनमें से कोई एक होगा अब एक काम करो पहला लेटर देखो भाई ये तीन और ये चार है तो एक बात बताओ इन तीनों में चारों में आर 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 कॉमन कट गया अच्छा बताओ सबसे पहले क्या आएगा पांच आएगा पांच के बाद सोलह उसके बाद उन्नीस उसके बाद बीस तो भाई सीधे सीधे बोलोगे चार होगा तीन होगा दो होगा एक होगा हम तो पूरा कर रहे हैं एग्जाम में बस चार और पांच देखोगे सीधे काट के अलग कर दोगे तो ये बताओ तिरालीस इक्कीस पैंसठ का ही आंसर आ रहा है आपने बोला यस सर ऑप्शन नंबर सी है और सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा तो अब देना होगा बच्चों अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप लोग को देना होगा बताइए इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लग रहा है बहुत शानदार भाई सभी बच्चों का सी आ गया बहुत बढ़िया शानदार बहुत बढ़िया शानदार भाई बहुत बढ़िया शानदार डब्ल्यू सोरेन प्रिया दौली बहुत शानदार अजय पाल सिंह सी ऑप्शन सुनील राठौर बहुत बढ़िया भाई बहुत शानदार भाई सभी बच्चों ने आंसर दिया एक बार जल्दी से आप लोग को देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई आप लोग को यह बताना है कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है तो बच्चों देखो कुछ नहीं किया जा रहा है कितने बच्चे आंसर देंगे भाई इस क्वेश्चन का बोलो भाई कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं अच्छा पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो देखो भाई क्या बोला गया पहले तो हम हट जा रहे हैं हम हट जा रहे हैं सर इसे दोबारा बताएं भाई किस क्वेश्चन को पूजा गुप्ता बोलिए सर इसे दोबारा बताइए भाई देख लीजिए एक बार जल्दी से क्वेश्चन क्या बोल रहा है इनमें सबसे पहले एक बात बताइए कि आप लोग का आर पहले आता है तो ये आर से आर कैंसिल आर के बाद ई पहले आएगा तो आपने बोला चार ई के बाद पांच होता है ये सोलह होता है ये उन्नीस होता है और यह आपके कितना होता है एक होता है बच्चा लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पे टी टी तो टी के पहले ई और ई के बाद यू आता है तो आपने बोला तो आप सर पांच और सॉरी क्या हो जाएगा पांच और छह ठीक है भाई क्या आएगा यहाँ पे नहीं भाई यहां पे टी टी था सॉरी यहां पे टी था क्या बोला हमने यहां पे इतना हो गया था तो भाई इस कंडीशन में टी सॉरी कहां चले गए बता रहे थे भाई यहां पे आप लोग आइए तिरालीस इक्कीस अब बच्चों ध्यान दो भाई यहां पर क्या आएगा तो भाई यहां पे पहले छह आएगा उसके बाद क्या आएगा उन्नीस आता है, के बाद है. और भाई ठीक तो था भाई आप लोग ऑप्शन नंबर सी होगा चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आंसर कितना आ रहा है एक बार सभी बच्चे आंसर क्या बोल है रहे हैं क्या बोला गया कहा गया प्लस का मतलब एक मिनट एक काम करो क्या पूछा गया एफ का ए से क्या रिलेशन है हमारी बात सुन लीजिए भाई यहां पे देखो डबल हैस का मतलब क्या है तो डबल हैस का मतलब है यहां पे पहली वाली दूसरे वाले की पत्नी है यानी जो डी है ना ये पत्नी है किसकी पत्नी है दूसरे वाले की पत्नी यानी पति पत्नी है बहुत अच्छी बात है डी पत्नी हो गई ठीक बहुत बढ़िया भाई यहां पर डबल हैस का मतलब क्या है पहली वाली जो है वो दूसरे की पत्नी है तो पहली वाली पत्नी हो गई बहुत बढ़िया भाई शानदार अब सुनिएगा अगला क्या बोला गया है? ये कहा गया टू का मतलब क्या दिया है पहला वाला दूसरे वाले का बेटा है और किसका बेटा है तो ये बेटा है, इनका बहुत बात है. को देखो, का मतलब है पहला वाला दूसरे वाले का भाई है यानी ये बी जो है इसका भाई है ये भाई है ठीक है भाई दोनों भाई भाई हैं और प्लस का मतलब क्या है कि पहली वाली दूसरे वाले की पुत्री है तो जो ए है ना ये बेटी है किसकी बेटी है बी की बेटी है तो पूछा क्या गया है एफ का ए से क्या रिलेशन है अच्छा देखो एफ का ए से क्या रिलेशन है तो बच्चा ये दोनों पति पत्नी है ठीक है भाई अब बताओ इनके जो है बेटे हुए ये दोनों बेटे हुए और भाई इनकी शादी सॉरी बेटे की बेटी तो जाहिर सी बात है जो एफ है ना ये ए के दादा जी लगेंगे पिता के पिता तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बहुत शानदार भाई यहां पे गजेंद्र का आंसर है प्रिया दौली विनीता कुमारी क्षमा पाल बहुत शानदार बहुत गजब आंसर आप लोग दे रहे हैं भाई तो अब देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर आज के सेशन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है और जवाब आप लोग से मांगेंगे बताओ भी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जवाब के लिए आप लोगों को भाई हम टाइमिंग जो देते हैं केवल 20 सेकंड का समय देते हैं और इस 20 सेकंड में आप लोग को बहुत शानदार आंसर देना होगा बताइए कि आखिर इस क्वेश्चन का शानदार आंसर क्या होगा अजय पाल सिंह सी ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है दादाजी बहुत शानदार भाई बहुत शानदार आंसर आप लोग दे रहे हैं भाई बहुत शानदार ग्रांड फादर बहुत गजब लाजवाब आंसर तो बच्चों देना होगा अब आप लोगों को टाइम इज ओवर भाई एक बात बताइए कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आ रही जरा एक बार देखो भाई यहां पर हम करें एनक्यू समझ में आ रहा है डैश एस समझ में आ रहा है एनक्यू एनक्यू एक बात बताओ भाई यहां पे टोटल टर्म्स एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह बीस यानी पांच चार चार पांच पे बच्चा तोड़ दो एक दो तीन चार पांच टूट गया 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 एनक्यू यहां पर है एनक्यू यहां पर होगा एन क्यू यहां पर होगा एन क्यू यहां पर होगा यस सर पी एस आर और यहां पर भी पी एस आर और पी एस आर पी एस आर एनक्यू पी एस आर एनक्यू पी एस आर एनक्यू पी एस आर एनक्यू देखो कौन सा ऑप्शन है एस आर क्यू पी एन एस एन क्यू पी आर ऑप्शन नंबर ए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है और कितने बच्चे आंसर बोल रहे कि सर पहला ऑप्शन सही है तो बहुत शानदार भाई जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन दिया है बहुत शानदार और गजब का आंसर दे रहे हैं तो अब चलना होगा बच्चों अगले क्वेश्चन पे अब देखो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है तर्क और धारणा तो तर्क और धारणा वाले क्वेश्चन को बिल्कुल गलत मत कीजिएगा और ना छोड़िएगा यह मत समझिएगा सर आते नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और सर यह हर बार हर क्वेश्चन में एक बार एक क्वेश्चन जरूर आता है आप लोग के एलपी में सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक नहीं कम से कम दो से तीन पूछे जाते हैं जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या आएगा एक बार सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देना होगा तर्क यह है कि सभी अध्यापक गण टीचर को निर्देश दिया जाता है कि वह सुबह नौ बजे तक कॉलेज पहुंचे बहुत अच्छी बात है धारणाएं यह कह रहा है कि कुछ अध्यापक गण समय पर नहीं आते हैं ठीक है भाई यहां पे देखना तर्क क्या बोल रहा है वो टाइम की बात कर रहा है सुबह नौ बजे तक आना होगा अच्छा कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं बस ये बता दीजिए ऑप्शन नंबर ए नहीं भाई अच्छा पहले लो क्वेश्चन इसका बस आंसर बता दीजिए जल्दी से बता दो भाई आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे रहे हैं भाई जरा एक बार तो कमेंट में कोई आंसर दे दे भाई ऋचा शर्मा बोलनी सर बी यानी पहला और दो दूसरा दोनों निहित है ठीक है कितने बच्चे गजेंद्र बोलने ओनली ए पूजा गुप्ता बोलनी है सर एक और दो दोनों अच्छा मेरी एक बात सुनिएगा गजेंद्र सुन लो भाई तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही है आखिर ये क्यों गलत हुआ यहां पे तर्क यह है कि सभी अध्यापक गण को निर्देश दिया जाता है कि वह सुबह नौ बजे तक कॉलेज पहुंचे यानी तर्क के आधार पे हमारी धारणाएं होनी चाहिए समय की बात कर रहा है तो बताओ कुछ अध्यापक गण समय पर नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है ये ये इसी इसी को टैकल कर रहा ये इसी के रेफरेंस में बोला गया है तो ये बिल्कुल सही है अध्यापक गण सूचना में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है ये इसके अंतर्गत आता है तो दोनों ही दोनों ही धारणाएं इसमें निहित होंगी तो बोलोगे सर पहला और दूसरा दोनों ही निहित है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस बात को याद रखना ओनली डी नहीं होगा ओनली बी होगा पहला दूसरा दोनों मेरे प्यारे साथियों अब ध्यान, ध्यान नहीं देना होगा बच्चों ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बच्चों यहीं पे सेशन को हम समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे सेम टाइम पे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत अपना ख्याल रखें जमकर पढ़े और अधिक से अधिक इस